देर में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव नॉमिनेशन करेंगी। पर्चा दाखिल करने से पहले डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची डिंपल यादव। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और उससे पहले क्या है जनसमर्थन डिंपल यादव के साथ, कितने लोग डिंपल यादव के साथ हैं, या मैनपुरी में कितनी मजबूत है डिंपल यादव, पूरा का पूरा परिवार कितना मजबूत है, ये जरूर दिखाने की कोशिश मैनपुरी में डिंपल यादव की तरफ से की जाएगी, अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी। डिंपल यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगी, उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे, यानी कि पूरा का पूरा परिवार मौजूद रहेगा। और चूंकि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की विरासत रही है, मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, और उनके निधन के बाद ही जो उपचुनाव हुआ था मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया था, डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की विरासत पर वो कायम रही, उसे संजो कर रखा और मैनपुरी सीट को अपनी झोली में डाल लिया, एक बार फिर से उन्हीं को मैदान में उतारा गया है। डिंपल यादव कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर कह रही हैं कि इस बार कोई भी मुकाबला है नहीं मैनपुरी में, बीजेपी का कोई भी आप कह सकते हैं जनसमर्थन नहीं है, बीजेपी के लिए कोई भी वोटर्स नहीं है, ये डिंपल यादव कहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बीएसपी ने भी यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो क्या वोटर्स में छिटकाव होगा, क्या यादव वोट बैंक में कह सकते हैं आप सेंधमारी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैनपुरी को लेकर इस वक्त उठ रहा है। तो मैनपुरी में मायावती ने इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आपको जानकारी दें कि मैनपुरी में सबसे ज्यादा 4.25 लाख यादव वोटर हैं, इसके बाद 3.25 लाख शाक्य बिरादरी के वोटर हैं, 1 लाख से ज्यादा दलित लोधी और ब्राह्मण वोटर भी हैं। मायावती ने इस बार यहां से यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर बीएसपी के शिव प्रसाद यादव वोट काटने में सफल हो जाते हैं तो मैनपुरी में डिंपल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कास्ट फैक्टर हमने आपको बताया, देखिए सबसे ज्यादा मैनपुरी में यादव वोट बैंक है, 4.25 लाख वोटर्स हैं यादव के, यानी कि यादव बाहुल्य सीट है और इसीलिए मुलायम परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। इसके बाद आते हैं शाक्य जिनकी संख्या 3,25,000 है, ब्राह्मणों की संख्या 1,10,000 है, दलितों की संख्या 1,20,000 है, लोधी की संख्या 1 लाख है, मुस्लिम की अगर आप बात करेंगे तो 55,000 मुस्लिम वोट बैंक भी इस सीट पर है। अब सबसे ज्यादा नजर यादव वोट बैंक पर है क्योंकि बीएसपी ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब क्या 4,25,000 वोटों में कोई बिखराव होता है, क्या यादव वोट काटने में बीएसपी के उम्मीदवार कामयाब रहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए मुश्किलें हो सकती हैं।